आवर यूट्यूब चैनल क्लास खल्लास में। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 11 के लिए, जहां पर हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के बुक से फर्स्ट चैप्टर, जहां पे चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो यहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे प्रिंसिपल और लॉ लिखे गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, रिटन एंड अनरिटन, यानी लिखित और अलिखित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंट को स्टार्ट करते हैं कि कुछ पॉइंट यहाँ पे क्या क्या मेन है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। साथ में क्या बोल रहा है कि इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में ही हुआ था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर लिखा है कि भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, भारत के संविधान को बनने में तकरीबन कम से कम 3 साल, ठीक है। अगला पॉइंट यह है कि संविधान सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, उनकी सारी इच्छा को पूरा कर सकता है। ये संविधान क्या करता है, एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है किसको, जनता को। लास्ट पॉइंट है कि संविधान ही तय करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। यस, संविधान ही तय करता है कि समाज में कौन निर्णय लेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि भारत के संविधान निर्माण सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता माना जाता था। किसको माना जाता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्या है कि भारत के संविधान में कुल कितने सदस्य थे, तो भारत के संविधान में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्या है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अंतिम कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके अंदर क्या है कि तथा इसमें 209 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि जो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसके अंदर कितने सदस्य थे, उसके अंदर 209 सदस्य उपस्थित थे। नेक्स्ट क्या है कि भारत में असमतोल संघवाद है जबकि अमेरिका में समतोल संघवाद है, क्योंकि कुछ राज्यों का विशेष दर्जा दिया गया था। अब मैं बता दूं कि असमतोल संघवाद का मतलब क्या होता है कि पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अपना ही एक अलग संविधान था, जिसकी वजह से भारत क्या कहलाता है, असमतोल संघवाद कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत का संविधान लिखित तथा विश्व का विशालतम संविधान है, यानी कि जो भारत का संविधान क्या है, एक तो लिखित रूप में तथा पूरे संसार पूरे विश्व में क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट से। तो अब तक हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ा था, अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो जहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन यह आता है कि संविधान का प्रथम कार्य क्या है, तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि भारतीय संविधान की 2 विशेषताओं को लिखो। तो भारत का जो संविधान है क्या है, भारत का संविधान लिखित रूप में तथा विश्व का विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान लिखित तथा विश्व का विशालतम संविधान है। दूसरा है कि भारतीय संविधान कठोर तथा लचीला संविधानों का मिश्रण है। अब हम बात करते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है, कठोर संविधान का मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ ऐसे सख्त रूल लिखे गए हैं बहुत ही, जिसको हमें फॉलो करना जरूरी है। दूसरा क्या है कि लचीला संविधान है। लचीला संविधान का मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव हर साल होता रहता है, जिसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, लचीला संविधान है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, कठोर तथा लचीला संविधानों का मिश्रण है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के नाम लिखिए, नाम बताइए। तो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत कौन कौन से है, तो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत जो है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय प्रणाली, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि भारतीय संविधान के क्या है, मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए, यानी कि भारतीय संविधान ने किन किन पर अपनी उपलब्धियां प्राप्त की थी। तो यहाँ पे पहला है व्यक्तियों की स्वतंत्रता, दूसरा है सामाजिक न्याय, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, यानी कि जहाँ पर अल्प संख्या वाले लोग हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है, उनको भी क्या अधिकार प्राप्त करना है, सम्मान अधिकार प्राप्त करना है, ठीक है। दूसरा है सार्वभौम मताधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर का है
उसको क्या अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। पांचवा है असम टोल संघवाद। असम टोल संघवाद का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान है और जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में क्या है, अलग संविधान है, ठीक है। अगला सिक्स्थ हमारा है कि संविधान का राजनीतिक विचार विमर्श में विश्वास, एंड लास्ट हमारा क्या है, सुलह और समझौते की भावना को प्राप्त करवाना है।